नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दे, और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, तो प्लीज लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी का प्राकृतिकरण दिन भी माना जाता है। यह माता धन की देवी है, यश पद और प्रतिष्ठा प्रदान करती है। बिना धन की देवी को प्रसन्न किए कोई भी शुभ संभव नहीं है। माना जाता है कि अगर शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जाए तो मालामाल होने का वरदान देती है। इस दिन दान जरूर करना चाहिए। माता के मंदिर में चुंदरी और श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। गरीब बस्तियों में अन्न और भोजन का दान करना चाहिए, या गरीबों में वस्त्र बांटने चाहिए, या हो सके तो धनी पुस्तकों का दान करना चाहिए। इतना करने से माँ लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होकर धन और वैभव का आशीर्वाद देते हुए घर में निवास करती है। इसके साथ ही इस शरद पूर्णिमा के दिन आप एक दीपक से अपने मन चाहे मुराद पूरी कर सकते हैं। लेकिन वो दीपक आपको कहाँ जलाना है और कैसे जलाना है, ये हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन आप कमल पर बैठी हुई धन बरसाती हुई लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और उस तस्वीर को आप ईशान कोण में लगाएं। इसके बाद आपको शरद पूर्णिमा के दिन गाय की घी का एक दीपक जलाना है। और ध्यान रहे, इस दीपक में जो बाती है वो आपको कपास की नहीं लगाए। उसके लिए आपको एक लाल धागे की बाती तैयारी करनी होगी, जो कि मौलिक होती है, कलावा होता है, पूजा में इस्तेमाल होता है। उसकी आपको एक बाती बनाएं और उससे आप उस घी के दीपक में रखें और उस दीपक को आप जलाएं। ये कार्य आपको शरद पूर्णिमा के दिन सुबह ही करना है। और ये एक ऐसा दीपक है जो कि अखंड दीपक रहेगा, यानी एक दीपक ही जलता रहे। आप घी का भी जला सकते हैं या फिर आप मूंगफली के तेल का भी जला सकते हैं। दीपक सुबह से लेकर अगले दिन सुबह तक चलती रहना है, यानी 2400 घंटे तक दीपक नहीं बुझना है, उसका आपको ध्यान रखना है। और इस दीपक से ही आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है विधि विधान से, और इसमें आपको 2 लौंग भी डालनी है। पूजा करने के बावजूद इसमें 2 लौंग आप डाल दें और माँ लक्ष्मी के साथ में भगवान विष्णु और कुबेर की भी आप पूजा अर्चना करें। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपको किस तरह उनको खुश कर सकते हैं। अपने मन की सारी बातें आपको उनके सामने रखते आप देखेंगे कि इतनी जल्दी इन बातों का असर होता है और एक अखंड दीपक आपकी मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।